हेलो दोस्तों, राधे राधे। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। और अभी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ क्योंकि साफ़ सफाई वाला काम काफ़ी होता रहा तो सब कुछ लेट हो चुका है। तो मैंने ब्रेड बहुत सारी सेक के रख ली है, सबको दे दूँगी जो जितना नाश्ता करना चाहेगा। तो बस चाय, ब्रेड, बस ऐसे घी लगा के। और आज देव को तैयार किया है अपनी ने, देखना काजल लगा रही हैं और तेल लगा दिया बालों में, कपड़े पहना दिए, पर तब तक पंगा हो गया। शायद उन्होंने उनके तेल वाले ऑयल वाले कपड़े हाथ दे तो वो कपड़े भी पोंछ दिए, तो वो फिर गुस्सा हो गई। हमने कहा कंघी क्या, अब हम कंघी नहीं करने वाले, चली गई गुस्सा होके। मैं कंघी कर दे रही हूँ और दोनों बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है। अभी ये लोग खेलेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर ज़्यादा मन नहीं किया कि बहुत सारा कुछ बनाऊँ। मैंने बनाई है तहरी और रायता, ये देखो सैतानी कर करके। जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन सारे दिन लोग सैतानी का वाला काम चलता है। तो बस देखो भाग भाग के इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हैं, सही से बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में तो बर्तन वगैरह धुले हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलो उनको लगा देती हूँ, साथ में शाम की चाय भी बनती जा रही है। चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइएगा शाम की चाय, और हम लोग पी रहे चाय। और फिर जी शाम को गए थे घूमने के लिए रोड पे, तो ये जूस लेके आएंगे, मौसमी का जूस है, लेकिन क्या है कि वो अनार वगैरह का भी जूस निकाला होगा ना, तो उसी के साथ ड्राइड ड्राइड सा लग रहा है, वैसे मौसमी का जूस है, ले लेती हूँ कभी कभी 2-3 दिन बाद। तो वही वीकनेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी ना, इस वजह से। और फिर ये ले आते बोले काम तो करना पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाते ध्यान तो देना होगा। और उसके बाद में फिर मैं सोच रही हूँ खाने में समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, तो दाल बना रही हूँ और कुंदरू रखे हुए थे तो वो बनाऊंगी। ये सब चल रहा है आजकल, ज़्यादा कुछ मन नहीं करता अकेले बनाने का, ये बनाओ वो बनाओ, तबीयत भी सही नहीं रहती है, तो फिर एक दिन की गैपिंग से इंजेक्शन लगवाने भी जाना पड़ता है। तो बस दाल पकने के लिए रख दिए, तब तक छोटे मोटे और भी काम हो जाते हैं घर में, किचन में भी, इधर रखो उधर रखो सामान और ये सब। तो इस वजह से तो आटा वगैरह गूंद ले रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही हूँ हींग जीरे से। और साथ में रोटियां भी सेकती जा रही हूँ, एक साथ ही काम करते चलो क्या है। तो मुझे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर किचन वगैरह साफ सुफ करके डाल देते हैं, सुबह टेंशन कम होती है फिर। और वो लोग 6:30 पे 6:30 बजे चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। और कल शाम को मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, और अभी मेरे सुबह का काम हो चुका है, जिससे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, उनका नाश्ता वगैरह बना दिया था, और उसके बाद में फिर घर की साफ़ सफाई जो भी थी वो सारी हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर बनाऊँगी नाश्ता, देखती हूँ। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है और कोशिश करूँगी डेली डेली अपने वीडियोस डालने के लिए। सुनाने को तो दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया, पर मुझे कामयाब होना है एक दिन।
इसलिए मैं किसी की नहीं सुनने वाली। बस मेरी फैमिली कुछ नहीं कहे और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। राधे राधे, मिलती हूँ आप लोगों से, पूजा करूँगी, फिर किचन में मिलूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी को नहला दिया है, सारे भगवान जी को। क्योंकि हमारे भगवान जी बहुत सारे हैं तो बस सबको नहला के कपड़े पहना दिए हैं। और फिर अब कर रही हूँ आरती माता रानी सबकी, सब पे कृपा बनाए रखें। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है क्योंकि मैं पूरे दिन का रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ अभी, मेरी तो तबीयत वगैरह सही नहीं है इस वजह से। तो बस सोच रही हूँ, नाश्ते में समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इससे पूछो उससे पूछो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा देर वैसे भी हो जाती है थोड़ा, मतलब बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा लेट गए थे तो ऐसे करके आलस आलस सा थोड़ा हो जाता है। तो मूँगफली का दाना फ्राई कर लेती हूँ। और फिर मेन चीज़ मूँगफली का दाना है ना, उसको घर की मूँगफली है तो वो छीलने में टाइम लगता है, तो बस इसीलिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। और आगे का ब्लॉग में आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, बोर नहीं करूंगी किसी को। तो राधे राधे।